इस वीडियो में हम सीखेंगे लॉगरिथम के बारे में। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 2, अगर उसके ऊपर हम एक्सपोनेंट दें 3, तो जो नंबर मिलेगा वो होगा 8। तो ये जो 2 है इसको हम कहते हैं बेस और इस 3 को हम कहते हैं एक्सपोनेंट। दूसरा नंबर है 9, उसके ऊपर अगर हम एक्सपोनेंट दें 2, तो रिजल्ट आएगा 81। हमारे पास एक नंबर है 7, उसका एक्सपोनेंट है 2, तो ये हमें मिलेगा 7 टाइम्स 7 40। अब हम आते हैं लॉगरिथम की डेफिनेशन की तरफ। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 नंबर हैं ax, y, ये रियल नंबर्स हैं, और इसमें जरूरी है कि ये जो नंबर a है ये एक पॉजिटिव नंबर हो। तो इसको हम लिखते हैं कि ये 0 से बड़ा हो, क्योंकि कोई भी नंबर 0 से जो बड़ा होगा वो पॉजिटिव होगा, और ये भी जरूरी है कि ये 1 के बराबर ना हो। अगर x बराबर है a एक्सपोनेंट y, तो जो लॉगरिथम होगा x का बेस a पे वो होगा y, और उसको हम लिखते हैं log x टू द बेस a इज इक्वल टू y। इसको हम पढ़ेंगे लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस a इज y। तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू a एक्सपोनेंट y, ये इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट की सिंबल है, ये इक्विवेलेंट है कहना के log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू y। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इसको हम कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। तो लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस a का जो मतलब है वो ये है कि वो कौन सा नंबर है जो हम a के ऊपर एज एक्सपोनेंट डालें तो हमें मिले x। तो लॉगरिथम का यही मतलब है कि वो कौन सा नंबर है जो a के ऊपर हम एक्सपोनेंट रखें तो हमारा जो आंसर आए वो x हो। 3 बेस है, 2 एक्सपोनेंट है, तो 3 एक्सपोनेंट 2 इज इक्वल टू 9। इसको हम लॉगरिथम में इस तरह लिखेंगे कि बेस यहां पर 3 होगा लॉग का बेस, और लॉग ऑफ 9 ये इक्वल टू 2, मीन्स 3 के ऊपर अगर पावर 2 आएगी तो हमें मिलेगा 9। एक और एग्जांपल देखते हैं, 1/5 एक्सपोनेंट माइनस 2 ये बराबर है 25 के। तो इसको लॉगरिथम फॉर्म में हम किस तरह लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे लॉग ऑफ 25 टू द बेस 1/5 इज इक्वल टू माइनस 2। यहां पर बेस है 1/5, और ये लॉगरिथम में बेस यहां पर आएगा। तीसरा एग्जाम्पल ये है कि 100,000 इज इक्वल टू 10 एक्सपोनेंट 5, तो इसको हम लिखेंगे लॉग ऑफ 100,000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 5। 8 इज इक्वल टू 2 एक्सपोनेंट 3, तो ये जो 2 है ये बेस है, तो लॉगरिथम में बेस यहां पर आएगा, ये लॉग का ये जो बेस होगा 2 होगा, और 8 नंबर हम यहां पे लिखेंगे और ये 3 जाएगा इस साइड पे, तो लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। फॉर एग्जांपल अगर 9 के ऊपर एक्सपोनेंट दे 1, तो ये होगा इक्वल टू 9, तो ये इक्विवेलेंट है लॉग ऑफ 9 टू द बेस 9 इज इक्वल टू 1, मतलब कि 9 के ऊपर अगर हम एक्सपोनेंट 1 देंगे तो आंसर मिलेगा 9। 9 के ऊपर अगर हम एक्सपोनेंट 0 दें तो हमें मिलेगा 1, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, लॉग ऑफ 1 टू द बेस 9 इज इक्वल टू 0। तो हम ये देख सकते हैं कि 9 के ऊपर अगर एक्सपोनेंट 0 आएगी तो ये हमें 1 मिलेगा। तो इस लास्ट एग्जांपल से हमें कुछ प्रॉपर्टीज मिलती हैं लॉगरिथम्स की, कि कोई भी नंबर हो जो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव अगर हम लिखें बी ग्रेटर देन 0 मींस इट मींस ये एक पॉजिटिव नंबर है, और वो 1 के बराबर ना हो, तो हमारे पास फिर होगा लॉग ऑफ बी टू द बेस बी इज इक्वल टू 1, मींस किसी भी नंबर का लॉगरिथम और उसी बेस पे 1 होगा, और लॉग ऑफ 1 टू एनी बेस इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोई भी नंबर हो अगर उसकी हम एक्सपोनेंट 0 देंगे
तो हमें पता है कि हमेशा रिजल्ट वन ही आएगा, तो लॉग ऑफ वन हमेशा जीरो होगा। सॉल्व द लॉगरिथमिक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है जिसमें लॉगरिथम इन्वॉल्व है, इसलिए हम इसको कहते हैं लॉगरिथमिक इक्वेशन। तो ये है लॉग ऑफ 3x प्लस 1 टू द बेस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 2। इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहां पर बेस 1 ओवर 2 है तो एक्सपोनेंट ये होगा 2 और ये बराबर है 3x प्लस 1 के। यहां पर हमने लिखा है 3x प्लस 1 और 1 ओवर 2 एक्सपोनेंट 2 ये बराबर होगा 1 ओवर 4 के, 2 के ऊपर पावर 2 आएगी तो 4 होगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसी इक्वेशन को दोनों साइड से 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये होगा 4 टाइम्स 3x प्लस 1 और फिर यहां पर भी हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स 1 ओवर 4, तो ये होगा 12x, 4 टाइम 1 ये होगा 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर 4 से तो 1 मिले। तो यहां पर हम लिख रहे हैं 12x और इस 4 को हम राइट साइड पे मूव कर रहे हैं तो ये होगा माइनस, तो 12x इक्वल टू 1 माइनस 4 होगा ये माइनस 3 करेंगे कि 12 को डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन के बोथ साइड पे, तो ये होगा x इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 12 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा x इज इक्वल टू 1 ओवर 4। तो ये इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो ये है x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 4।